साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं लेखक विष्णु नागर जी की लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है पैंट। कहानी शुरू करने से पहले सभी से ही गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी। आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियां अपलोड करता रहूंगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हालत तो उसकी ये थी कि अगर वो रोज कुएं में गिरता और निकलता, रोज पहाड़ पर चढ़ता और कूदता, जहर खाता और उसकी जुबान बाहर निकल आती तो भी उससे कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं था। कोई नहीं पूछता कि तू जीता है कि मरता है। इतना अकेला था वो, इतनी उदासीन थी दुनिया उसके बारे में, पर उसे हमेशा दुनिया की ही लगी रहती। दुनिया ऐसा कहेगी, दुनिया वैसा कहेगी, दुनिया में हूं तब तक तो ऐसा नहीं करूंगा, दुनिया में रहना है तो सब करना पड़ता है, दुनिया का चाल चलन ही ऐसा है, दुनिया देखकर चलना पड़ता है आदि आदि। दुनिया का भूत उसके सिर पर ऐसा चढ़ बैठा था कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था। एक बार उसके पास जेब खर्च से ज्यादा पैसे आ गए। उसने हिम्मत कर ली एक अच्छी सी पैंट सिलवाने की। कपड़ा लाया, दर्जी को दे आया, पैंट सिलवा ली मगर पहनी नहीं। दुनिया क्या कहेगी? कहेगी कि इतनी अच्छी पैंट इस बुढ़ापे में, किसे दिखाने के लिए, कहां से आया ये पैसा? वो पैंट किसी को दे भी ना पाया क्योंकि कभी किसी को कुछ देने की उसकी हस्ती ही नहीं रही। घर में पैंट देख देख कर खुश होता और फिर बक्से में बंद कर रख देता। बहुत जी कड़ा करके और ये सोचकर कि दुनिया के सवालों का वो क्या जवाब देगा, उसने पैंट पहनने का इरादा बनाया तो लगा पैंट तो नहीं है पर कमीज पुरानी। चप्पल का हाल तो बेहद खराब है, शर्ट और चप्पल नहीं हो तो पैंट पहनने का भी मजा है। कई दिनों तक वो यही सोचता रहा कि तीनों नई चीजों का जुगाड़ कैसे बिठाया जाए। उसने किसी तरह खाने पीने का खर्च कम करके पहले नई चप्पल का इंतजाम किया, फिर नई शर्ट के लिए बचत अभियान शुरू हुआ। लेकिन इस बीच पुरानी चप्पल की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उसे मोची के पास ले जाना भी अपनी हंसी उड़वाना था, इसलिए नई शर्ट आई नहीं और नई चप्पल पहननी पड़ी, लिहाजा सारी योजना का कबाड़ा हो गया। नई पैंट फिर मुसीबत बन गई। पुरानी पैंटें फटी नहीं थी और वे सूती कपड़े की थी जो पहनने के दूसरे दिन ही पुरानी लगती थी, इसलिए वे दुनिया की आंखों में खटकती नहीं थी। ये पैंट कुछ कीमती थी और उसके मुकाबले तो इतनी कीमती थी कि महीनों नई लगती, इसलिए दुनिया जवाब मांगती। दुनिया के लोग सीधे सीधे जवाब मांगे तो वो दे भी दे, मगर टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे सवाल किए जाए, मुंह से बोला ना जाए, आंखों से सवाल किए जाए तो वो क्या जवाब दे। इसी उधेड़बुन में पैंट बक्से में पड़ी रहती। वो रोज रात को पैंट निकालता, उसे सहलाता, उसके कपड़े और सिलाई की मन ही मन तारीफ करता, कहीं गंदगी न लग जाए इसका ख्याल रखता और फिर उसे तह करके उसकी काल्पनिक धूल झाड़कर उसे सावधानी से बक्से में रख देता। फिर उसे घर में चोरी का भी डर रहने लगा। वो कल्पना करने लगा कि अगर पैंट की चोरी हो गई तो उसकी क्या हालत होगी। न वो पैंट चोरी की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा पाएगा, न किसी से अपना दुखड़ा रो पाएगा। उसने कई बार ये भी सोचा कि घर से जाते समय उसे एक पर्ची छोड़ जानी चाहिए चोर के नाम, कि सारा सामान उठा लेना पर भैया पैंट मत ले जाना। मगर फिर उसे ख्याल आता कि जरूरी नहीं कि चोर पढ़ा लिखा हो, और पढ़ा लिखा हुआ तब तो पर्ची पढ़कर पैंट तो जरूर ही चुरा ले जाएगा। उसने कई कई बार सपने में चोर को पैंट ले जाते हुए और चोर के सामने खुद को गिड़गड़ाते हुए पाया। इस तरह कई कई रातें उसकी नींद खराब हुई, फिर दोबारा नींद नहीं आई। झूठ क्यों कहें, एक बार तो चोर के डर के मारे नींद में उसका पेशाब भी छूट गया। वो इस पैंट से, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो, तंग आ चुका था। वो ना इसे पहन सकता था ना फेंक सकता था। वो इस पैंट से प्यार भी करता था और आजिज भी आ गया था। उसे अपनी इस पैंट के बारे में उतनी ही आशाएं आशंकाएं होती थी जितनी माँ बाप को अपने बेटे बेटियों के बारे में होती हैं।
जिस तरह कुछ कुंवारी माएँ अपने बच्चे को कूड़ेदान में फेंक देती हैं, उसी तरह उसने भी इस पैंट को फेंकने का इरादा बनाया, मगर बाद में वो इस कल्पना से भी डरने लगा। उसकी आंखों के सामने वो सारा दृश्य साकार हो गया जो पैंट को कूड़ेदान में फेंकने पर उपस्थित होता। जो पहला आदमी सुबह सुबह एकदम नई कोरी पैंट को देखेगा, उसे पहले तो इसे पा लेने की इच्छा होगी, फिर डर लगेगा कि कहीं कोई छुपकर देख न रहा हो। जब वो डर पर विजय पालेगा तो उसे आशंका होगी कि एकदम नई कोरी पैंट को कोई क्यों छोड़ गया है, जरूर किसी ने टोना टोटका करके छोड़ा होगा। वो लोगों को बुलाएगा और मोहल्ले में हंगामा खड़ा करवा देगा। इसके बाद अपराधी की खोज होगी। लोग शक करते करते उसके पास पहुंचेंगे, वो अपना अपराध कबूल कर लेगा, फिर लोग उसकी ऐसी गत बनाएंगे कि आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। उसने पाया कि वो इस पैंट से वाकई तंग आ गया है और अब इससे मुक्ति जरूरी है। उसने मोहल्ले से दूर किसी कूड़ेदान या नदी तालाब में से फेंकने का निश्चय किया, मगर थोड़ी ही देर में उसने पाया कि एक नई पैंट के साथ ऐसा सलूक वो नहीं कर सकता। करेगा तो कई कई दिन तक वो ये सोचता रहेगा कि वो पैंट किसके हाथ लगी होगी, कहाँ गई होगी, उसे पहना गया होगा या फाड़कर फेंक दिया गया होगा। पैंट से तब भी पीछा नहीं छूटेगा। किसी को दान कर देना भी उसे दुस्साहस से कम नहीं लगता था। कई महीने पैंट बक्से में ही पड़ी रही, उसे निकालकर देखने का साहस भी उसे नहीं हुआ। लेकिन एक दिन न जाने क्या सोचकर उसने पैंट निकाली तो पाया कि उसे कई जगह से कॉकरोच खा चुके हैं। उसे बहुत सदमा लगा, वो रोया, वो पछताया कि क्यों वो दुनिया से इतना डरा कि उसने पैंट नहीं पहनी। वो जितनी अपनी निंदा कर सकता था उसने की, वो जितना दुनिया को कोस सकता था उसने कोसा, वो जितने कॉकरोच मार सकता था उसने मारे। अंत में उसने ठंड की रातों में इस पैंट को पहनकर सोने का निर्णय किया। 3 साल उसने इस तरह निकाल दिए। इसकी वजह से रात में उसे 2-3 बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। एक बार उसका पेट खराब था, रात में सोते सोते अचानक पखाना लगा, उस हालत में उसे उतार कर पायजामा पहनने का संकट झेलना पड़ा, तब वो घर से बाहर बने पखाने में जा पाया। एक बार आधी रात को उसके कोई मेहमान आ गए, सांकल बजने पर उसकी नींद खुली, उसने पता किया कि कौन आया है। आश्वस्त हो जाने पर वो दरवाजे तक गया और लौट आया, पैंट का ख्याल आ गया था। उसने पैंट निकाली, पायजामा पहना, पैंट को बक्से में बंद किया, तब बाहर आया। इस बीच मेहमान काफी हैरान परेशान हुए, बाद में उससे अजीब अजीब सवाल किए। एक और बार की बात है, पड़ोस में चोर चोर का शोर सुनकर वो हड़बड़ी में बाहर आया। बाहर आकर पैंट का ख्याल आया, वो अंदर भागा, पैंट बदली और बाहर आया। लेकिन तब तक उसे ये शंका होने लगी थी कि किसी न किसी ने तो उसकी ये फटी पैंट जरूर देख ली होगी, वो आदमी जरूर मेरी हंसी उड़ाता होगा, वो जरूर इस ताक में होगा कि मुझे फिर से उसी हालत में देख ले। उसे उस पैंट को बर्दाश्त करना भारी लगा। हालांकि दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया कि 3 ठंडों में काम देने के बावजूद 3 और ठंड इसमें निकल सकती है। दरअसल कॉकरोच द्वारा पैंट को काट लिए जाने के बाद उसका इस पैंट से मोह और बढ़ गया था। वो कॉकरोच को बता देना चाहता था कि उसके खून पसीने की कमाई की इस तरह तौहीन नहीं की जा सकती। वो इस पैंट में लगा एक एक पैसा वसूल करके रहेगा, वो भूल नहीं पाएगा इस पैंट को। ये सोचते सोचते कभी कभी तो उसमें इतनी हिम्मत आ जाती थी कि वो इस पैंट के साथ सड़क पर निकलने की सोचता। उसे उस हंसी की कल्पना भी नहीं दहलाती जो इस पैंट के पहनने पर सड़क और दफ्तर में सुनाई देगी। कई बार इस निर्णय को स्थगित करते करते, कई कई रातों को इस बारे में सोचते सोचते एक दिन उसने पैंट पहनना तय ही कर लिया। वो पैंट पहनकर बाहर निकला। उसने किसी से बात नहीं की, किसी की बात नहीं सुनी, किसी की ओर नहीं देखा। दफ्तर में भी उसने यही किया। उसने आम दिनों की तरह सारा काम किया पर किसी से बोला नहीं, किसी व्यंग, किसी हंसी मजाक, किसी आग्रह का जवाब नहीं दिया, किसी को अपनी बीड़ी नहीं पिलाई, किसी से माचिस उधार नहीं मांगी। उसने किसी पर क्रोध नहीं किया, किसी पर दया नहीं दिखाई। उसका ये व्यवहार सबके बीच कौतूहल का विषय बना रहा, मगर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उससे दो बातें कर ले। लेकिन अगले ही दिन से उसने दूसरी रणनीति अपनाई। अगर कोई इस पैंट को लेकर उसकी हंसी उड़ाएगा तो वो उसका भरपूर जवाब देगा। गाली देना जरूरी होगा तो गाली देगा, मारपीट जरूरी हुई तो मारपीट करेगा, और रोज रोज इसी पैंट को पहनकर दफ्तर जाएगा।
साथियों, अभी आप सुन रहे थे लेखक विष्णु नागर जी की लिखी हुई कहानी पैंट। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इसका आनंद उठा सकें। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।